हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बहुत ही पावन माना जाता है। इस दिन खरीदारी का अपना अलग महत्व होता है। हर साल यह कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। दिवाली की शुरुआत भी धनतेरस से ही मानी जाती है। आइए जानते हैं इसे मनाने के पीछे क्या कारण है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दौरान समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए प्रकट हुई थी। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इस दिन धन्वंतरी के प्रकट होने की वजह से हर वर्ष धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार धन के अलावा आरोग्य से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस के दिन धन की प्राप्ति के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है, साथ ही आरोग्य के लिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी स्वर्ण कलश के साथ आई थी, इस वजह से धन संपदा की चीजों को खरीदना इस अवसर पर शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं दोगुना फल देती है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी या किसी भी नई वस्तु को खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन यमराज के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, गणेश भगवान और कुबेर देवता की पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में विकास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर शुक्रवार के दिन दोपहर 12:35 से लेकर 11 नवंबर शनिवार दोपहर 1:57 तक है। ज्योतिषियों की माने तो धनतेरस तिथि पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम 5:06 के पश्चात हो रहा है। ये योग रात भर है, अतः इस योग में पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इससे पूर्व विषकम योग बन रहा है। इस योग में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, अतः धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल में खरीदारी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो धनतेरस तिथि पर संध्या काल 5:05 के पश्चात खरीदारी कर सकते हैं। धन को ज्योत का प्रकाश, पुल की धरती जगमग आकाश, आज यह प्रार्थना है आपके लिए खास। धनतेरस के दिन पूरे हो हर आस। आप सभी को BCN की परिवार की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।